इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Mi Y 12.5 का स्टेबल अपडेट Redmi 9 Prime में कब तक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिनके पास Redmi 9 Prime का डिवाइस है उनके मेरे पर कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर Mi Y 12.5 के लिए जो रिक्वायरमेंट आई थी स्टेबल बेटा अपडेट के लिए, तो उन्हें अपडेट कब तक मिल सकता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा कब तक मिल सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पर Redmi 9 Prime की अगर मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पर Redmi 9 Prime के लिए MIUI 12.5 का जो स्टेबल अपडेट है वो अपडेट आने से पहले अभी आप लोग को एक और न्यू अपडेट आना बाकी है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने के लिए मिलेगा MIUI 12.5 अपडेट से पहले, जिसमें आपको छोटे मोटे बग्स है उनको फिक्स किया जाएगा, लेकिन वो जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है आपको जून के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको जून के एंड तक वेट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी इंडिया में काफ़ी कम डिवाइस है जिनको MIUI 12.5 के स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिले हैं, जैसे Redmi Note 10 सीरीज ही देखने के लिए मिला है, उसके अलावा और कोई ऐसे डिवाइस नहीं जिनके लिए इंडिया में ये अपडेट देखने के लिए मिला हो। लेकिन गाइज यहाँ पर Redmi 9 Prime को अपडेट आने से पहले और भी ऐसे डिवाइस है जिनको अपडेट मिलना बाकी है और उन्हें ही सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, जैसे Redmi Note 10 डिवाइस हो गया, या फिर उसके अलावा Redmi Note 9 सीरीज हो गई, Redmi Note 8 की सीरीज हो गई, Redmi Note 8 Pro का डिवाइस हो गया, Poco के कुछ डिवाइस देखने के लिए मिलेंगे जैसे Poco X3, X3 Pro हो गया। इनके लिए गाइस जब MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चाहे वो पायलट यूजर को अपडेट मिल जाए, भले ही यहाँ पर ये अपडेट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद गाइज यहाँ Redmi 9 Prime का नाम आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि इससे पहले Redmi Note सीरीज के, Poco के कुछ डिवाइस है, MI सीरीज के कुछ डिवाइस है, उनके लिए सबसे पहले अपडेट्स देखने को मिले MIUI 12.5 के, उसके बाद ही Redmi 9 Prime में MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है गाइज MIUI 12.5 का जो अपडेट है उस अपडेट से पहले आप लोग को Android 11 का अपडेट भी देखने के लिए मिल सकता है, उम्मीद के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो Android 11 का अपडेट है, क्या वो लोग Redmi 9 Prime में जो Android 11 का अपडेट है उसके साथ MIUI 12.5 अपडेट देंगे या फिर उससे पहले देंगे, मेरे ख्याल से पहले आप लोग को Android 11 का ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइज MIUI 12.5 अपडेट के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा, Android 11 अपडेट की वजह से आप लोग को डिले भी हो सकता है MIUI 12.5 का अपडेट। तो जितने भी यूजर Redmi 9 Prime के, थोड़ा वेट करो, आप लोग को जून के एंड तक वेट करना, एक सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने के लिए मिल सकता है और हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट मंथ में Android 11 अपडेट देखने के लिए मिल जाए। अब सब कुछ Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है लोग कौन सा अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। MIUI 12.5 अपडेट के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, इससे पहले के जो बड़े बड़े डिवाइस है उनके लिए सबसे पहले अपडेट मिलना स्टार्ट होंगे, उसके बाद Redmi 9 Prime के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए गाइस यहां पर इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करके जाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में सभी की अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे कोई भी अपडेट आएगा आप लोगों को उसकी लिंक्स आपको हमेशा वहां पर देखने के लिए मिलती रहेगी।